तो रफ्तार की बात अब विस्तार से देखते हैं कुछ बड़ी खबरें आज की। दो दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के लोगों को 11,599 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और जिसमें की कामाख्या मंदिर गलियारा भी शामिल है। आज पीएम मोदी असम में 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी खानपाड़ा में वेटनरी कॉलेज मैदान में सुबह 11:30 बजे एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे, जहां कई राज्य और केंद्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें कामाख्या मंदिर गलियारा, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल से 6 लेन की सड़क, नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक बनाने वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में उन्नत करना और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर शामिल है। प्रधानमंत्री असोलवाला सड़कों के दूसरे संस्करण की भी शुरुआत करेंगे। इस चरण में 43 नई सड़कें और 38 कंक्रीट पुल शामिल होंगे, जिसमें कुल 3,444 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा पीएम मोदी 3,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री प्रस्तावित करीमगंज मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और गुवाहाटी के यूनिटी मॉल की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही जामुगिरी में नवनिर्मित सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। देश में CAA लागू होने की खबरों के बीच पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई। देखते ही ये खबर मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लग गई। 96 साल के लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की, पहले सोशल मीडिया पर और फिर ओडिशा की रैली में। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने इस फैसले पर खुशी जताई। हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया। आई थिंक ही रियली डिजर्व्स दिस अवार्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी खुशी जताई। हमारे प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने इस फैसले का स्वागत किया और बीजेपी के लौह पुरुष को बधाई दी। आडवाणी जी को जो दिए हैं, ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने भी आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर खुशी जाहिर की और पीएम मोदी का आभार जताया। उत्तराखंड में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में UCC यानी कि सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा और इसकी पुष्टि खुद सीएम धामी ने कर दी। UCC के ड्राफ्ट में खास क्या है हम आपको बताते हैं अगले एक मिनट में। उत्तराखंड की सरकार UCC कानून लाने से पहले इसके ड्राफ्ट का अध्ययन कर रही है, क्योंकि UCC को लेकर ही 5 फरवरी से राज्य का 4 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है, लिहाजा ड्राफ्ट के हर बिंदुओं को सरकार परख रही है। सत्र में हम UCC लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। सूत्रों के मुताबिक UCC पर ड्राफ्ट बनाने वाली समिति ने बहुविवाह, बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की है। साथ में सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की आयु सीमा एक समान और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाओं की भी सिफारिश की है। ड्राफ्ट में लड़के और लड़कियों को समान विरासत के अधिकार की बात कही गई है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाने की भी सिफारिश समिति ने की है। हालांकि अब तक UCC का ड्राफ्ट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसमें राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक समान कानूनी ढांचा करने की बात कही गई है। तो 5 समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं आने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शिकायत ईडी ने कोर्ट से की है। अब ईडी की अर्जी पर 7 फरवरी को सुनवाई है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में 5 बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए अब तक पेश नहीं होने वाले केजरीवाल कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं। ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि लोक सेवक होने के बाद भी केजरीवाल ईडी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उधर आप विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोपों की जांच को लेकर दिल्ली के सीएम कार्यालय को दिल्ली पुलिस से एक समन मिला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में नोटिस का जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने नोटिस मिलने की पुष्टि की है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना।
पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है। Z News.